वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करें और ये इसके अंदर, ठीक है, उसको मैं एडवाइस करता हूँ कि लेटेस्ट मंगाओ। और अच्छा, ये जो एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है ना, 50,000 नहीं, वो 50,000 टन की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी पहले, 1,00,000 की थी। अच्छा। अब हमने कम करा दिया। अगर ये समझते हैं कि इससे कम पे आ सकते हैं तो वो भी हम चेंज, वो भी कर सकते हैं छोटे। अच्छा देखिए, और चीजें मकसद ये है कि कंपटीशन होना चाहिए। रूल ये कहता है कि यू शुड नॉट पुट अ डिफिकल्ट कंडीशन टू मेक कार्टन, एंड इफ इट रिक्वायर्स 10,000 टन इज द क्वांटम, ओके 10,000 टन के मंगाए, क्योंकि अब तो ये आ रही है, मंगा रहे हैं कंटेनर्स के अंदर, कंटेनर के लिए कोई जरूरी नहीं है कि चार्टर शिप आए। यू कैन रिड्यूस इट, यू शुड कंप्लेन एंड वी कैन गेट दिस रूल चेंज थ्रू देम। वो बता रहा था कि वो राइस भी एक्सपोर्ट करता है, तो राइस की भी बड़ी बड़ी क्वांटिटी जाती है ना, शिप भर भर के जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि 8-10 लोग मिलके अपना सिंडिकेट बनाते हैं कि आपका पता चला 50 है, उसका 50 है, और जितनी भी शिप की क्वांटिटी करके वो भेज देते हैं। तो वो कह रहे थे कि चीनी में भी ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बीच में टेंडर TCP इन्वॉल्व आ जाता है, तो वहां पर वो कर नहीं पा रहा है, वो उसको क्वालिफाई नहीं करते थे। एंड वी विल फैसिलिटेट हिम थ्रू गवर्नमेंट फ्रॉम TCP फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नो प्रॉब्लम। ये हम कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी हो और आवाम को फायदा पहुंचे, आवाम को चीनी सस्ती होनी चाहिए, वो उसी वक्त ट्रांसपेरेंसी सस्ती होनी चाहिए, क्लीन कंपटीशन, बिजली का चक्कर चलाया हुआ है, ये सारा का सारा ड्रामा, दिस शुड बी स्टॉप। वी कैन गेट बिजली एट 6 rupees अ यूनिट, देयर कैन बी नो लोड शेडिंग इफ द गवर्नमेंट इज क्लीन। अभी 13-14 की बात चल रही है, ये सब रेंडर पावर प्लांट आर ऑल फ्रॉड, वी हैव गिवन अ वर्डिक्ट, ADB हैज गिवन अ वर्डिक्ट, देयर इज नो एक्शन। अच्छा, ADP के रिपोर्ट के बाद आप रोक दिया ना, जो साइन हो चुका था उसको उन्होंने कहा, उन्होंने कहा है कि दिस शुड हैव बीन रीटेंडर्ड अंडर दी PPRA रूल, इसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए और 10 times फाइन आना चाहिए, एंड वी हैव रिटन अ लेटर टू चीफ जस्टिस के इसको उठाए केस को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वी गेट $20 billion अंडर द PPRA रूल, फाइन मिल जाएगा बिल्कुल। अच्छा, तो ये चीजें हैं, यानी कोई इसके पॉलिटिकल विंड करने की नहीं है इनकी। राजीव साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, जाते जाते मैं चाहता हूँ अपने मेरे लिए भी और कॉमन व्यूअर्स के लिए, आपने कहा कि पुलिस सबसे ज्यादा करप्ट परसेप्शन जो है, और अमाउंट्स आर नॉट वेरी बिग इन्वॉल्व्ड, दे आर गुड पुलिसमैन एज वेल, उसके बाद किसकी बारी आती है? पुलिस है, पुलिस के बाद फिर आ जाता है अपना लैंड डिपार्टमेंट, लैंड रेवेन्यू, अच्छा, फिर पावर सेक्टर है, पावर, और एक जमाने में जुडिशरी थी, लास्ट टाइम जब हो गया था अपने 2006 में, अब जुडिशरी की इम्प्रूव हो गई है। अच्छा, और इस तरह जो है ये टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट इम्प्रूव हो गया बिकॉज ऑफ द रिफॉर्म्स। अच्छा, इनकम टैक्स भी और कस्टम भी इनकी यानी ऊपर भी, और जो है यानी जुडिशरी की इम्प्रूव हुई है, बट दी क्वांटम ऑफ करप्शन केसेस जो है वो उसमें जो पैसे का क्वांटम है जुडिशरी में सबसे ज्यादा है। अगर इंसिडेंट ऑफ करप्शन पर इंसिडेंट पुलिस का जो है वो है कोई 7,000-6,000 रुपए एवरेज, जुडिशरी का जो है वो है हाईएस्ट है 5-6 lakh रुपए पर केस। तो दैट इज देयर, जो कहते हैं जज बिकते हैं, इट इज देयर, एंड द जुडिशरी वॉज द मोस्ट करप्ट, एंड सिंस द न्यू judicial policy has come and they are trying to improve it, the result will be seen, and if they are corrupt the survey will say, our survey will come again in June, humne shuru kiya hai, agle mahine shuru kar rahe hain, aur survey of Pakistan corruption survey will come in June 2010. Aisa badi khushi hui aapse milke, aapki baatein sunke, ek naya hame information mila hai aapke department ke bare mein, and I think jo hum Pakistan jis tarah ke banana cha rahe hain usme aap logon ka bhi bada contribution rahega, लोगों को आपकी बातें सुन के बड़ी वो होगी, खुशी होगी और सेटिस्फेक्शन होगी, ऐसे इदारे हैं जो देख रहे हैं चीज़ों को, वहाँ मदद के लिए भी वो जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके आने का। नाज़रीन, करप्शन इन पाकिस्तान पे ये डिस्कशन आपने सुनी, और हमारे होस्ट, हमारे जो गेस्ट थे आदि जिलानी साहब, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के चेयरमैन कैसे से जो कुछ यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही काबिल सताइश है, और हम को इनसे बात करके बड़ी खुशी हुई है कि एक मीडिया के बारे में हम सुनते रहते हैं, मगर इस तरह के इदारे भी हैं जिनको किसी से कोई गर्ज नहीं है, ना किसी गवर्नमेंट के फेवर में है ना खिलाफ है, ऑल द वांट के लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो जाए, और ज़िंदगी उसी वक्त अच्छी होगी जब हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी, चाहे वो TCP के ज़रिए चीनी का प्रोक्योरमेंट हो या पुलिस हो या कोर्ट हो, जब वहाँ करप्शन नहीं होगा तो लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाएगी और लोग बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आदिल जिलानी साहब जैसे लोगों को हम
आवाम की पूरी सपोर्ट रहे, जैसे हम चीफ जस्टिस को कर रहे हैं, और ये खिदमत करते रहें हमारी, और हम इनका शुक्रगुजार रहेंगे हर वक्त। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ, अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर हूँगा। खुदा हाफिज़।